बिहार ये सुभाषपा उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर ने इस्तीफा दे दिया है। ओपी राजभर की पार्टी के उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। 30 अन्य बड़े पदाधिकारियों ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया है। एक साथ पार्टी से पदाधिकारियों का इस्तीफा हुआ है। ओपी राजभर अपने रास्ते से भटक गए हैं, ये उनका कहना है। महेंद्र राजभर का पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है और मुख्तार अंसारी से राय लेकर फैसले होते हैं। ये देखिए, महेंद्र राजभर ने कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। ओपी राजभर और मुख्तार के संबंधों को लेकर नाराज ओम प्रकाश राजभर के बहनोई हैं महेंद्र राजभर। तो बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है, महेंद्र राजभर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कई आरोप भी जो है वो लगाए गए हैं ओपी राजभर पर। ओपी राजभर की पार्टी के उपाध्यक्ष, तो एक साथ पार्टी के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है और देखिए पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, मुख्तार अंसारी से राय लेकर फैसले होते हैं। और ओपी राजभर और मुख्तार अंसारी के संबंधों को लेकर नाराजगी, ये तमाम आरोप जो है वो लगाए गए हैं। 30 अन्य बड़े पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा दिया है। तो एक साथ इतने पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है, बड़ी खबर ये आपको बता दें। ओम प्रकाश राजभर के बहनोई हैं महेंद्र राजभर, सुभाषपा के उपाध्यक्ष भी हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता सीमाब नकवी जुड़ गए हैं। सीमाब, एक साथ इतने लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, ओपी राजभर की जो पार्टी है सुभाषपा उपाध्यक्ष है महेंद्र राजभर और अब कई आरोप जो है वो भी लगाए जा रहे हैं, क्या अपडेट आ रही है सामने इसमें? देखिए, ये जितने भी लोगों ने इस्तीफा दिया है वो पार्टी के पदाधिकारी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, और राजभर के बड़े भरोसे के लोग थे जी। और आज जिस तरह से घटनाक्रम पूरा हुआ है उससे कहीं ना कहीं सुभाषपा को इसका नुकसान होगा, क्योंकि ये बड़े भरोसे के लोग थे और लगातार सुभाषपा के लिए काम किया इन लोगों ने, ओम प्रकाश राजभर के लिए काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं आज लोगों ने इस्तीफा दे दिया। और साफ तौर पर इन लोगों का यही कहना था कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो किसी की नहीं सुनते हैं और सिर्फ मुख्तार अंसारी की बात वो जो है वो सुनते हैं, इस तरह के आरोप भी लगाए। और साफ साफ ये भी देखा गया कि उस दौरान उन लोगों ने अपनी अपनी जो टोपियां सर पे पहने हुए थे सुभाषपा पार्टी की वो भी उतार कर अलग कर दी, फेंक दिया, यानी कि कहीं ना कहीं जो है वो ये मानना है लोगों का, उन लोगों का, कि मुख्तार अंसारी की बात को वो सुनते हैं और लोगों की बात को नहीं सुनते हैं और इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। और 2002 में उन्होंने पार्टी को स्थापित करने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं काम किया था और आज इस यही चक्कर है कि उन लोग इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि पार्टी के पदाधिकारियों की नहीं सुनी जा रही और सिर्फ जो है वो मुख्तार अंसारी की सुनी जा रही है। बिल्कुल सीमा, आप दो सवाल हैं, एक तो ये कि अब तो कहीं ना कहीं सुभाषपा के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इतने सारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनका इस्तीफा हो गया है तो अब पार्टी जो है बचाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी ओपी राजभर के लिए। दूसरी बात यह कि जो महेंद्र राजभर ने इस्तीफा दिया है किस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए, कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने भी ओम प्रकाश राजभर को आरोप लगाया था कि ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी की जो है वो सुनते हैं, मुख्तार अंसारी की बात को मानते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रही है, उनके परिवार के लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। और ऐसे में आज जब इस्तीफा दिया गया है सुहेल देव पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनकी तरफ से, तो उसमें भी इसी सब बातों का जिक्र किया गया है, क्योंकि अनिल राजभर ने भी इस तरह के आरोप लगाए थे और ये कि सरकार में मंत्री हैं और तमाम और अन्य नेता भी जो है वो ओम प्रकाश राजभर को कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी से जोड़कर देख रहे हैं। आज जब ये इस्तीफा हुआ है तो पार्टी पे कहीं ना कहीं जो है वो कमजोर जरूर हुई है। और रही बात उनके किसी दल में जाने की, तो इस बात की फिलहाल उन्होंने घोषणा नहीं की है, आने वाले समय में इस बात का पता चलेगा। बिल्कुल, तो देखिए फिलहाल घोषणा जो है वो नहीं की गई है, लेकिन आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि आखिर कौन सा दल जो है वो ज्वाइन करते हैं अब महेंद्र राजभर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीमाब इस तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए बड़ी अपडेट आपको दे दें, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, सुभाषपा के उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, उनके साथ साथ 30 अन्य बड़े पदाधिकारियों ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और एक साथ
पार्टी से इतने लोगों का इस्तीफा हुआ है और उन्होंने आरोप भी लगाया है कि अपने रास्ते से ओम प्रकाश राजभर जो है वो भटक गए हैं और मुख्तार अंसारी से राय लेकर फैसले लिए जाते हैं। तो ये तमाम आरोप लगाए गए हैं और उसके बाद जो महेंद्र राजभर है उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, उनके साथ साथ 30 अन्य पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन